देखिए, एक लिटरेरी टर्म है, इंग्लिश लिटरेचर में प्रयोग होता है, और इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, आम जिंदगी में, आम बोलचाल में, आम लिटरेचर में प्रयोग होता है थीम। तो इस वीडियो में थीम किसको बोलते हैं जानेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल देखेंगे, साथ ही साथ आम जिंदगी में हम किस तरह से थीम का प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, थीम सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं, कहाँ से लिया गया है ये शब्द। ये जो शब्द है थीम, ये ग्रीक शब्द से आया है थेमा से, और थेमा का मतलब होता है अप्रपोजिशन, सब्जेक्ट या डिपोजिट, मतलब विषय वस्तु, मूल कथन या मजमून को हम बोलते हैं थीम। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्क, अ पीस ऑफ राइटिंग और अ वर्क ऑफ आर्ट इज कॉल्ड थीम। मतलब किसी वार्ता, रचना या कलाकृति का विषय वस्तु या मजमून को हम बोलते हैं थीम। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, करंट टॉपिक चला है अभी के द थीम फॉर G20 समिट 2023 वाज वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये जो है G20 समिट 2023 का जो इंडिया में हुआ था, उसका थीम यही था, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो थीम क्या है, मेन जो मकसद है, सेंट्रल मैसेज है किसी प्रोग्राम का, किसी कथन का, उसको हम थीम बोलते हैं। देखिए, थीम जो है आपका, ये एलिमेंट ऑफ स्टोरी है किसी ड्रामा में, नॉवेल, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, पब्लिक टॉक्स, लेक्चर्स, इन सब का जो है कोई थीम होता है, थीम को हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के थीम जो है आपका एलिमेंट ऑफ स्टोरी है, और किसी भी स्टोरी में ये थीम होता ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब थीम को इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में वही है जो मैंने आपको इससे पहले बताया, सेम वही चीज है, मतलब अ स्टोरीज थीम इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। मतलब किसी स्टोरी की थीम या विषय वस्तु, मजमून, मौजू वही है जो जिस चीज के बारे में कहानी होती है। तो कहानी का जो सेंट्रल मैसेज होता है उसी को हम थीम बोलते हैं, कहानी जिसके बारे में होती है उसी को हम थीम बोलते हैं। और सम कॉमन थीम्स आर लव, वॉर, रिवेंज, बेट्रायल, पॉलिटिकल, पैट्रियटिज्म, हीरोइज्म एंड एटीसी। मतलब इस टाइप से थीम्स हुआ करते हैं जो मेन टॉपिक होता है किसी भी मूवी का, जैसे हॉरर मूवी तो वो ड्रावनी वाली फिर उसकी थीम होगी, तो इस टाइप से उसको हम थीम बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है हैमलेट, तो इसमें जो थीम है फ्रेंडशिप है, मैडनेस है एंड रिवेंज है। रिवेंज, रिवेंज की वजह से ड्रामा जो है ट्रेजेडी हो जाता है, तो यहाँ पर बदला है, ये थीम है मेन हैमलेट का। दूसरा एग्जाम्पल है कि एज यू लाइक इट, ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया ड्रामा है, इसमें भी सेंट्रल थीम है लव एंड मैरिज, प्यार और शादी है सेंट्रल थीम। और अदर थीम्स आर कोर्ट लाइफ एंड कंट्री लाइफ, मतलब कोर्ट की जिंदगी और देहात की जिंदगी। इसी तरह से फॉरगिवनेस है, माफी है, इटीसी, और भी मतलब इसमें थीम्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन यही है थीम का, कि थीम इज अ सेंट्रल टॉपिक, सब्जेक्ट और मैसेज विद इन अ नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब कोई भी कहानी, तो किसी कहानी का जो सेंट्रल टॉपिक है, सब्जेक्ट है या मैसेज है उसी को हम थीम बोलते हैं। और ऊपर के एग्जाम्पल से आपने समझ लिया होगा कि एक स्टोरी में कई थीम्स हो सकते हैं, मतलब अ स्टोरी कैन हैव एज मेनी थीम्स एज द रीडर कैन आइडेंटिफाई। मतलब आप जितने थीम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप उसमें कर लीजिए। एक कहानी में कई थीम्स हो सकते हैं, एक सेंट्रल थीम होता है, बाकी अदर थीम्स और भी होते हैं उसमें।